जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में केंद्र सरकार द्वारा 18 जुलाई से प्री पैकेज्ड और प्री लेब्ड खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने के विरोध में देश भर के व्यापारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में राजसमंद जिला खाद्यान्न व्यापार संघ के बैनर तले व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम तहसीलदार राजेंद्र भारद्वाज को एक ज्ञापन सौंपते हुए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत आने वाले खाद्य पदार्थों पर जीएसटी नहीं लगाने की मांग की। संघ के जिला अध्यक्ष कमल खंडेलवाल ने बताया कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी लागू करते समय कहा था कि लीगल मेट्रोलॉजी के तहत आने वाले आटा, दाल, चावल, शहद और खाद्यान्न वस्तुओं पर प्री पैकेज्ड और प्री लेब्ड खाद्य पदार्थों पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन 28-29 जून को हुई जीएसटी काउंसिलिंग की 47वीं बैठक में आवश्यक वस्तुओं पर पैकेजिंग और लेबलिंग के नाम पर 5% जीएसटी लागू करने की घोषणा की गई, जो सरकार द्वारा व्यापारियों के साथ की गई वादा खिलाफी है। इसके विरोध में देश भर में व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी लागू करने से देश भर में महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए जीएसटी लागू करने के फैसले को निरस्त करते हुए व्यापारियों को राहत प्रदान करें। सभी जिला खाद्यान्न व्यापार संघ के व्यापारी एकत्रित होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे जीएसटी जिन आइटमों पे पहले नहीं थी उन पे वापस जीएसटी 18 तारीख से लागू हो रही है, उनके विरोध में कलेक्टर साहब को प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। जैसे आटा है, दालें हैं, चावल है, शहद है, गुड़ है, इसके अलावा नॉन ब्रांडेड पे पहले जीएसटी लागू नहीं थी, जिन पे भी 18 तारीख से कोई भी आइटम पे करके व्यापारी बेचता है उस पे जीएसटी लग रही है। इसके विरोध में हमने ये ज्ञापन तैयार करके और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। इसका अपेक्ट ये सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें आम आदमी पे इसका वजन आएगा, पहले से महंगाई ज़्यादा है, गरीब आदमी मारा जाएगा और आम आदमी इस मतलब इसकी रोज़मर्रा की ज़रूरत है। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी ने एवं तत्कालीन उस समय के जो वित्त मंत्री रहे थे अरुण जी जेटली साहब, उन्होंने पूरे देश को संबोधन करके और जीएसटी लागू हुई थी उस समय इस चीज़ का आश्वासन दिया था कि जो आवश्यक में जैसे आटा है, दालें है, चावल है, इनको जीएसटी से बाहर रखा जाएगा।